क्या आप इसका मतलब जानते हैं? एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या होता है? एयरलाइन हब, एयरक्राफ्ट कैबिन, एयर स्पेस, एरोडर्म। एविएशन में इस तरह के और भी कई सारे टर्म यूज़ किए जाते हैं और इस वीडियो में इन सभी के बारे में जानेंगे। एविएशन मैनेजमेंट सीरीज का यह पार्ट 3 टर्म यूज इन एविएशन है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस एविएशन मैनेजमेंट सीरीज के पूरे पार्ट का एक PDF हिंदी में तैयार किया गया है। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शॉर्ट में AAI कहा जाता है और यह फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के इक्विवेलेंट है और इसको शॉर्ट में FAA कहा जाता है। यह US की एजेंसी है। एयर स्पेस। एयर स्पेस किसी देश या समुद्र के ऊपर उड़ान भरने के लिए एयरक्राफ्ट के लिए जो उपलब्ध हवा होता है उसे एयर स्पेस कहा जाता है। एयरपोर्ट यह एक ऐसा जगह होता है जहां पर हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं और पैसेंजर आते जाते हैं और उनके सुविधाओं के अनुसार एयरपोर्ट को बनाया जाता है। एरोडर्म। एरोडर्म भी एयरपोर्ट की ही तरह होता है। यहां पर भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं। एरोडर्म यह पानी के ऊपर भी हो सकता है और जमीन पर भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि एरोडर्म यह एयरपोर्ट से छोटा होता है। यहाँ पर बस कुछ बेसिक फैसिलिटीज ही होती हैं। एयरलाइनर। एयरलाइनर और एयरलाइन दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। एयरलाइंस। एयरलाइंस यह एक कंपनी होती है जबकि एयरलाइनर एयरक्राफ्ट का टाइप्स होता है। सिंपल भाषा में समझने के लिए एयरलाइनर को आप एयरक्राफ्ट के कैटेगरी भी बोल सकते हैं। एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर। एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर को शॉर्ट में ANSP कहा जाता है। ANSP यह एक तरीके की कंपनी होती है। यह कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, जो कि एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रोहिबिटेड एरिया। कई बार आपने सुना होगा अंडमान निकोबार रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर फ्लाइट के लिए इजली परमिट नहीं मिल पाता। इसी तरह से ऐसे और भी एयर स्पेस हैं जो किसी महाद्वीप में हो सकता है या किसी राज्य की सीमा पर हो सकता है। उन क्षेत्रों में फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन होता है जिसको प्रोहिबिटेड एरिया कहा जाता है। डेंजरस एरिया। डेंजरस एरिया रिस्ट्रिक्शन एरिया को कहा जाता है जहाँ पर हवाई जहाज के लिए खतरा हो सकता है। कोड शेयर एग्रीमेंट। यह एक एविएशन बिजनेस सिस्टम है जहां पर दो या दो से अधिक एयरलाइन एक ही फ्लाइट को शेयर करती है। एयरपोर्ट रैंप या एप्रॉन। यह एक एयरपोर्ट का हिस्सा होता है जहां पर हवाई जहाज को पार्किंग किया जाता है, हवाई जहाज में लोडिंग किया जाता है या अनलोडिंग किया जाता है, फ्यूल भरा जाता है या बोर्डिंग किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैबिन। हवाई जहाज से ट्रेवल करते समय जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं उस भाग को एयरक्राफ्ट कैबिन कहा जाता है, या आप कह सकते हैं यह एयरक्राफ्ट का वह भाग होता है जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को शॉर्ट में IATA कहते हैं। यह दुनिया की एयरलाइन के लिए एक बिजनेस एसोसिएशन है जो लगभग 260 से भी ज्यादा एयरलाइन और कुल एयर ट्रांसपोर्ट का 83% भाग को रिप्रेजेंट करता है। यह एविएशन एक्टिविटीज के कई क्षेत्रों का समर्थन करता है और इम्पोर्टेंट एविएशन इशू आने पर पॉलिसी बनाने में मदद करता है। एयरलाइन हब। यह एक एयरपोर्ट है जो एक केंद्रीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से किसी विशेष एयरलाइन की कई फ्लाइट को रूट की जाती है। रनवे इंड सेफ्टी एरिया। रनवे इंड सेफ्टी एरिया को शॉर्ट में RESA कहते हैं। RESA को रनवे के आसपास की सरफेस के रूप में डिफाइन किया गया है जो अंडर शूट ओवरशूट की स्थिति में हवाई जहाज को नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त है। रनवे। आप सब लोग जानते हैं कि जहां से हवाई जहाज टेक ऑफ करता है उसको रनवे कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं, पैरेलल, नियर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। स्लॉट। यह किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए प्री एग्रीड टाइम होता है। एयरफील्ड। यह एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ लैंडिंग और मेंटेनेंस के लिए अलग रखी गई ग्राउंड का एक एरिया होता है। टर्मिनल। यह एयरपोर्ट पर एक जगह होता है जहां से पैसेंजर ट्रेवल के लिए हवाई जहाज में चढ़ते हैं।
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में ICAO कहते हैं। यह इंटरनेशनल सिविल एविएशन पर कन्वेंस के प्रशासन और शासन का मैनेजमेंट करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित किया संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट। जब कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तो उस मूवमेंट को ही एयरक्राफ्ट मूवमेंट कहा जाता है। इसी तरह यह पार्ट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में जानेंगे कि एयरलाइन क्या होता है, एयरलाइन को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।